तो आज हम जानेंगे फाइनल कीवर्ड्स के बारे में जावा में। फाइनल कीवर्ड को हम यूज क्यों करते हैं और कब हमें यूज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए और किन किन कंडीशनों में हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जो फाइनल कीवर्ड है जावा में, द फाइनल कीवर्ड इन जावा यूज टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर। जो फाइनल कीवर्ड है जावा में वो यूजर को रेस्ट्रिक्ट करता है ये पर्टिकुलर ऑपरेशन ना परफॉर्म करने के लिए। तो वो किन किन कंडीशनों में होता है पहले हम वो जानते हैं। द फाइनल कीवर्ड इन जावा कैन बी यूज विद वेरिएबल मेथड एंड क्लास। जो फाइनल कीवर्ड है वो जावा में वेरिएबल साथ हम यूज कर सकते हैं, मेथड और क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। ओके तो जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं तो उस समय हम जो वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो हम डिक्लेरेशन टाइम पे जो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वही वैल्यू रहे, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नॉट दिस पॉइंट, उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जो आप एक बार डिफाइन कर दिए वैल्यू वही वैल्यू रहेगा, उसको चेंज कर सकते हो। और जावा हम जब भी किसी मेथड को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं अगर फाइनल कीवर्ड यूज किया है तो। और किसी क्लास के साथ अगर हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं तो उस क्लास को हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हैं। ओके तो ये कुछ कंडीशन है। तो इनको कैसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में, तो ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डेमो प्रोग्राम से। ओके तो आइए हम प्रोग्रामिंग से समझते हैं सबसे पहले इसको। ये हमारा नेटबीन आईडी और यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्लास लेते हैं। ओके उस क्लास का नेम हम दे दिया टेस्ट और यहाँ पे हमने मेन मेथड दे दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके और इसके अंदर हम देते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सिंपल वेरिएबल लेते हैं, हमने एक इंटीजर डाटा टाइप लिया, इसमें एक वैल्यू हमने यहाँ पर 20 या 12 ले लिया हमने। ओके अब इस वैल्यू को हम सिंपली अगर यहाँ पर चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और हम यहाँ पर एक मैसेज देते हैं वैल्यू ऑफ ए का क्या वैल्यू है ये हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वैल्यू कुछ यहाँ पर हम 12 असाइन किया था और हम चाहते हैं यहाँ पर इसको 20 कर देने के लिए। तो अब हमारा यहाँ पर जो वैल्यू हम कैसे प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, यहाँ पर 20 आएगा ना कि 12 आएगा। ओके तो यहाँ पर हम ये चेंज करने में केपेबल हो गए, पर जैसे हम यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे तो ये हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके तो देखिए मैजिक कैसे होता है। हमने यहाँ पर फाइनल कीवर्ड सिंपली यूज किया और यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया क्या, कैन नॉट असाइन ए वेरिएबल टू फाइनल वेरी फाइनल वेरिएबल ए, इसको मैं असाइन नहीं कर सकता। जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल भी करेंगे तो हमारा यहाँ से कुछ ये रहा एरर आ जाएगा, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। ओके तो आई होप आप ये समझ पाएंगे कि जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसमें हम किसी बार वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू हमने डिक्लेरेशन टाइम पर एक बार इनिशियलाइज कर दिया वही रहेगा। ओके सिंपली इसको हम हटाते हैं और हम जैसे कंपाइल करेंगे तो ये हमारा आउटपुट 12। अब इस वेरिएबल को हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, यही रहेगा ऑलवेज। ओके तो ये रहा वेरिएबल के साथ ऑपरेशन। तो अब हम जानेंगे कि फाइनल कीवर्ड का मेथड के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी फाइनल कीवर्ड को मेथड के साथ यूज करते हैं तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओके तो ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में, तो ये हम पहले एक एग्जाम्पल से उसे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम स्टूडेंट देते हैं। ओके और इस क्लास में हम एक मेथड देते हैं वॉइड सो, जो कि एक सिंपल मेथड है, इसमें हम किसी फाइनल कीवर्ड का यूज यहाँ पर नहीं किए हैं। ओके और यहाँ पर हम देते हैं सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन और उसके अंदर एक मैसेज देते हैं मेथड इन पेरेंट क्लास। ओके ये हमारा हो गया और एक हम दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं, ये हमारा क्लास है, उस क्लास का नाम हम देते हैं टेस्ट और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम स्टूडेंट क्लास को। ओके स्टूडेंट क्लास को यहाँ पर हम एक्सटेंड कर लिए और यहाँ पर हम जो मेथड हमारा ये सो मेथड है इसको हम ओवरराइड करते हैं। ओके तो हम सिंपली यहाँ पर लेते हैं वॉइड सो और यहाँ पर हम इस मेथड को ओवरराइड कर लिए। ओके और इसमें एक मैसेज पास करते हैं सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन। ओके और यहाँ पर हम देते हैं मेथड इन
चाइल्ड क्लास, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हम एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं और इसकी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसके मेथड को हम कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसका मेन मेथड देते हैं पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग argc। ओके, सिंपली ये हमारा हो गया। यहाँ से हम जो हमारा चाइल्ड क्लास टेस्ट है इसका हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू न्यू ऑपरेटर टेस्ट, ये हमारा हो गया। और उसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस शो मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे। ओके, ये हो गया। जैसे हम कंपाइल करेंगे तो हमारा ये वाला आउटपुट शो होगा मेथड। ओके, तो यहाँ से हमारा ये हो गया, तो मेथड इन चाइल्ड क्लास आ गया। ओके, तो ये अभी इस समय ओवरराइड हो जा रहा है, लेकिन हम जैसे यहाँ पर अगर हम फाइनल कीवर्ड का यूज करें तो ये वो नहीं होगा ओवरराइड। ओके, तो यहाँ पर सिंपली देखिए कि रेड कलर हो गया और यहाँ पर ये शो हो रहा है, टेस्ट कैन नॉट ओवरराइड शो मेथड इन स्टूडेंट। और जैसे हम कंपाइल भी करेंगे तो हमारा एक एरर शो होगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये एरर आ गया, दी क्लास टेस्ट ओवरराइड फाइनल मेथड शो, ये नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आर एक्शन, तो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप इस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। तो हमें प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उस समय इस तरह का हमें नीड होता है, कुछ स्पेशल होते हैं मेथड जिनको हम कहीं पर ओवरराइड करना नहीं चाहते, तो उस समय हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा मेथड को फाइनल कीवर्ड के थ्रू कैसे यूज करें। अब हम ये जानें कि क्लास को हम भी एक्सटेंड नहीं कर सकते हम फाइनल कीवर्ड का यूज करें, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मेथड को हटाएंगे यहाँ पर। और अभी हम देखें तो जैसे प्रोग्राम किसी कोड को अगर हम इनहेरिट किए हैं इस टेस्ट स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट को इस टेस्ट क्लास के साथ एक्सटेंड किए हैं, तो ये हो रहा है। बट जैसे यहाँ पर अगर हम फाइनल कीवर्ड यूज करें तो इस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे कंपाइल करें तो सिंपली कंपाइल हो रहा है, बाकायदा एक्सटेंड हो रहा है। बट जैसे ही हम इस पेरेंट क्लास को, स्टूडेंट क्लास को अगर फाइनल कीवर्ड्स के साथ डिक्लेयर करें तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देते हैं फाइनल, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट कलर में आ गया, क्या अलर्ट आ रहा है देखते हैं। कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल स्टूडेंट, अब इसको इनहेरिट नहीं कर सकते स्टूडेंट क्लास को। कंपाइल भी हम करेंगे तो सेम हमारा कुछ एरर इसी तरह से शोज होगा, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास, फाइनल क्लास आपको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रिवेंट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ें अगर आपको परफॉर्म ना करानी हो तो उस समय पर हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें इस तरह का सिचुएशनों का फेस करना पड़ता है जहाँ पर हमें वो चीज़ें ऐसी, तो इसमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि पर्टिकुलर चीज़ इसी पर्टिकुलर काम के लिए परफॉर्म हो, अदरवाइज इनहेरिट ना कह सके, ओवरराइड ना कह सके, इसकी वैल्यू चेंज ना हो सके, तो उस समय हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आई होप आपको फाइनल पी का कॉन्सेप्ट समझ आया हो।